एक खबरें मीडिया में बहुत तेजी से चल रही थी पिछले काफी दिनों से कि सुशील पहलवान को लगातार अपनी जान का खतरा जेल में है। सुशील कुमार के वकील भी यही बात कोर्ट में बता रहे थे कि जेल में सुशील की जान को खतरा है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि सुशील कुमार को कोई खतरा नहीं है, जेल के वरिष्ठ अधिकारी भी ये बात कह चुके हैं कि सुशील कुमार को जेल में कोई खतरा कैसे हो सकता है जब उनको और अजय बकरवाला को हिफाजत से यानी कि अलग सेपरेट बैरक में रखा गया है कोविड 19 के वजह से क्वारंटीन सेंटर में। तो जेल में खतरे की बातें क्यों की जा रही हैं? क्या ये किसी बड़ी बातों को छिपाने की ओर इशारा कर रहा है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ सुशील पहलवान को अपनी जान का खतरा है, वो लगातार अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सरकारी गवाह बना उसके घर वालों को भी लगातार गवाही ना देने के लिए उकसाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि उसको कौन धमकी दे रहा है? गवाही तो सुशील कुमार पहलवान के खिलाफ हो दे रहा है, तब उसको धमकी कौन देगा? उसके परिवार वालों को आखिर कौन धमकी दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और जेल प्रशासन भी अगर मानी जाए तो सुशील कुमार को कोई खतरा नहीं है। अगर है खतरा किसी को तो उस गवाह, उसी गवाह को जो सरकारी गवाह बन चुका है, उसके परिवार वालों को है। उनकी क्या गलती है, उनके परिवार वालों की क्या गलती है, इसके पीछे कौन हो सकता है, ये बताने के लिए वो किसके खिलाफ गवाही दे रहा है, आखिर जिसके खिलाफ वो गवाही दे रहा है वो कौन है और वो जेल में बैठा है तो धमकी कैसे दे सकता है, यानी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है कथित रूप से। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचती हुई दिखाई दे रही है। उस गवाह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया खुद की जान को खतरा होने की बात कहकर, इस निवेदन के साथ कि उसकी जान को खतरा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस बारे में एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि जब तक दिल्ली सरकार अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते में लाकर पेश करती है तब तक वो यानी कि दिल्ली पुलिस गवाह की सुरक्षा का इंतजाम करेगी। इस आशय के निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश के कैथ ने प्रार्थी के आवेदन पर दिए हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो गवाह सुरक्षा योजना 2018 के तहत संबंधित याचिका को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। अब देखना अहम होगा कि एक हफ्ते में दिल्ली सरकार जब रिपोर्ट तलब करेगी, रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं। आप बने रहिए बीडीएफ न्यूज के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।